आपको बोलूं कि आपको आज मैं एक ऐसी बुक एडवाइस करने वाली हूं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बुक आपको एक एक चैप्टर वाइज ना पढ़वा के सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके वर्कशीट्स की तरह पढ़ाएगी, तो आप क्या बोलोगे? देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज बच्चे को पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद उसे चैप्टर वाइज ही टेस्ट देते रहते हैं। बट आज मैं आपके लिए जो बुक लेकर आई हूँ ना, ये ऐसी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स तो हम बच्चे को क्लियर कर ही चुके हैं, ये आपके बच्चे को डेली 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 वो सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाएगी, ताकि जब पेपर आए ना तो बच्चे का दिमाग सिर्फ एक चैप्टर पे ना चल के सारे कॉन्सेप्ट्स पे चले। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बुक आपके बच्चे को मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलवा सकती है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। तो चलो फिर देखते हैं कौन सी बुक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के लिए ये बुक है, मतलब आप चाहे तो फर्स्ट क्लास के लिए ले लो, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, किसी भी क्लास के लिए मंगवा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है और पैटर्न इसका बहुत ज़बरदस्त है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपके बच्चे के सिंपल सी पढ़ाई करवाती है और फ्राइडे को 5वें दिन ये लेती है एक कंप्लीट टेस्ट। मतलब हर हफ्ते आपके बच्चे का टेस्ट होने वाला है, और ये एक दो हफ्ते के लिए नहीं है, ये है 30 वीक्स के लिए। मतलब चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बुक, ये है वर्क इट आउट, ये है सोवेनियर पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड की बुक। आप देख सकते हो प्राइस मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, इसका MRP सिर्फ 180 रुपीज़ है। मतलब इतनी सस्ती इतनी ज़बरदस्त बुक मुझे लग नहीं रहा था कि मिल जाएगी मुझे, बट मुझे मिल गई लकीली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखो आप, week 1, 2, 3, 4 और हर हफ्ते फ्राइडे को एक कंप्लीट टेस्ट होता है। सैटरडे संडे को बच्चे को छुट्टी मिलनी चाहिए मुझे लगता है, और इसमें मिल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग चैप्टर वाइज तो बच्चे को सिखा दिया, ग्रेटर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, इसमें कितना प्लस करें, कितना माइनस करें, ये सब हम सिखा देते हैं, बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, काफ़ी कुछ हम बच्चे को सिखा देते हैं, चाहे टाइम हो चाहे मनी हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मम्मी लोग टेस्ट बनाती है ना, वो एक चैप्टर का टेस्ट बना रही हैं और अपने बच्चे को एक चैप्टर में बिल्कुल परफेक्ट कर देती है, बट पेपर में जब फाइनल पेपर होते हैं, या अभी भी जो मंथली जो हाफ ईयरली पेपर हो रहे हैं मेरे बच्चों के, उसमें एक चैप्टर तो नहीं आएगा ना, उसमें सब चैप्टर मिल के आएंगे। तो ये बुक सब चैप्टर्स पर एक साथ काम करती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। अब इसमें सब कुछ है, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन भी है, इसमें ऑड वन आउट भी है, इसमें टाइम भी है, इसमें कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है, या पैटर्न्स भी है, मतलब हर चीज़ पे एक साथ काम हो रहा है। ये देखिए आप, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे टेबल्स का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे एडिशन का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का टेस्ट हो रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे। अब जब 4 दिन बीत गए हैं, 5वें दिन बच्चे का इन सब में जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं ना, फ्राइडे को एक कंप्लीट टेस्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखिए, ये दिख रहा है, तो ये हो गया है फ्राइडे का टेस्ट। कंप्लीट बुक मैं आपको दिखा दूंगी, ये है फर्स्ट क्लास की, मैंने एक्चुअली अपनी बेटी के लिए मंगवाई थी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों के लिए वर्कशीट्स बना पाना, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई है थर्ड क्लास की बुक। फिर मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाई, क्योंकि इससे छोटी बुक मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने फर्स्ट क्लास की मंगवाई, और ये मेरा बेटा अभी सॉल्व करना शुरू कर चुका है, वो अभी प्रेप में है, उसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स मैंने आगे के पढ़ाना शुरू कर दिया है। चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी थर्ड क्लास में है, तो मुझे पता है फर्स्ट क्लास का सिलेबस क्या है, सेकेंड क्लास का सिलेबस क्या है, और थर्ड क्लास का सिलेबस क्या है, और इन बुक्स को देख के मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी सिलेबस में पढ़ाया गया ना, वो सब इसमें कम्प्लीट है। मतलब अगर सेकेंड क्लास की बात करूँ मैं, तो आप देख सकते हो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो कि मेरी बेटी के सेकंड क्लास में आई थी, या फिर आप देख सकते हो ये हाफ पिक्चर है, इसे कंप्लीट करना है, मतलब बच्चे का दिमाग ओवरऑल चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में दिमाग चल रहा है, नहीं, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बुक बहुत अच्छी है। वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई है इसमें, 1/4 of ₹20 कितना होगा, मतलब डिवीजन भी आ गया है इसमें, तो आप अपने बच्चे को ये बुक एक बार ट्राई करने के लिए दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्लास की बुक की, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो week 16, इसमें भी आप देख सकते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन सबसे आसान है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कि अगर आप अपने बच्चे के मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो ना, सिर्फ तीन चीज़ें ज़रूर कीजिए, बच्चे से मुँह ज़बानी एडिशन पूछिए, सब्सट्रैक्शन पूछिए और मल्टीप्लिकेशन पूछिए। जितना ज़्यादा दिमाग में चलेगा ना मैथमेटिक्स, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी मैथ्स होगी। 15x5 कितना होता है, 15x7 कितना होता है, 20x3 कितना होता है, 20x7 कितना होता है, इस तरीके से ना बच्चे के दिमाग में चलना चाहिए मैथ्स। और ये चीज़ें
जो एडिशन सबसेक्शन है ना, ये वही काम करती हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो सारे कॉन्सेप्ट हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का कॉन्सेप्ट है, और एंड में फ्राइडे को आपको कंप्लीट एक पूरा टेस्ट मिलता है। आप दे सकते हो बच्चे को मंडे ट्यूसडे का जो है वर्कशीट, वो आप आधे घंटे के लिए दे दो, और ये वाला जो कंप्लीट है इसे आप एक घंटे के लिए दे सकते हो। तो इससे आपके बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। और मेरे पास जो है ना, मैंने अब मंगवाई है सेकेंड क्लास के लिए, फोर्थ क्लास के लिए और फिफ्थ क्लास के लिए भी। फिफ्थ क्लास वाला भी एक बार ही देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। वीक की अगर मैं बात करूँ तो सारी बुक 30 वीक्स की हैं, ये आप देख सकते हो। और प्राइस सिर्फ 180 रुपीज़, बहुत सस्ती और बहुत बेस्ट क्वालिटी की बुक है। अगर आप देखना चाहते हो इनको या लेना चाहते हो इनको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये आप देखिए, ये वीक वन का टेस्ट है। जो जो भी चैप्टर्स बच्चे को पढ़ा दिए जाते हैं ना, सारे चैप्टर्स कंबाइंड करके टेस्ट दिया जा रहा है। देख ले क्या होता है ना, प्रॉब्लम हम लोगों को क्या होती है कि हम लोग इतने टेस्ट नहीं बना पाते, और बना भी पाते तो उन पेपर की वेस्टेज हो रही है, उन पेन की वेस्टेज हो रही है। तो यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। बुक दीजिए बच्चे को और बोलिए आज मंडे की आपने पढ़ाई करनी है, आज ट्यूजडे की पढ़ाई करनी है, या आज आपने फ्राइडे का टेस्ट करना है। तो इससे आपके बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। मैं तो आपको बोलूँगी ट्राई ज़रूर कीजिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बुक है, तो एक बार ट्राई करना तो इसे बनता ही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोवेनियर पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स हैं ये, और लिंक मैंने दिया है सभी बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के लिए अवेलेबल है ये। और अगर मैं पीछे की तरफ आपको बताऊँ तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है कि ये बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये पैटर्न्स और सीक्वेंस को इम्प्रूव करता है, मतलब ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट करता है दिमाग तेज़ करने के लिए। एक बात, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि जो बड़े लोगों के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं, उसमें भी अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें भी फिफ्थ क्लास तक की मैथ्स ही आती है। तो आपका बच्चा अगर बड़ा भी है, सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी है, तो भी आप उन्हें ये बुक्स दे सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, दिमाग तेज़ करने के लिए। स्पीड हो जाती है ना बच्चे की एक बारी, तो आपका बच्चा वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।